तो आप सबके लिए लेकर आ गया है एक नई बुक जिसका नाम है कोडिंग, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यूज नाम से। इस बुक का मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। मैंने इसको अमेजोन से मंगाया है, जो टोटल मुझे लगभग 420 रुपये की पड़ी है ऑफर में। ठीक है, देखो देखो ये है बुक। ओके, तो यहाँ पे इनवॉइस में इसका प्राइस तो लिखा नहीं है। ठीक है, चलो मैंने इसको पहले खोल के देखा हुआ है, आपको किस तरीके का पैकिंग आया वो दिखा देता हूँ। ऐसे ही पैकिंग आया है और इस टाइप से पैकिंग आया है। प्राइस से आप दिख जाए तो आप देख लो, फोकस नहीं हो रहा है। आप देख लो, ये देखो दिख रहा है टोटल। ओके, 420-30 रुपये ही लगा है। ओके, 20 या 30 रुपये लगा। ये देखिए, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, 189 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस। और ये पूरा बुक देख सकते हैं, 6th एडिशन। ओके, लास्ट पेज भी दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से। क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू 6th एडिशन है। चलो मैं इस बुक को आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या है इसमें। अगर हम, ये है इसका 189 कोडिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका ये देखिए इंट्रोडक्शन करके कुछ जो भी है आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, पहला सेक्शन है द इंटरव्यू प्रोसेस, इसमें सारी प्रोसेस बताई गई है। बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, एप्पल, फेसबुक वगैरह के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे राउंड्स होते हैं, वो सब डिटेल्स में लिखा है। स्पेशल सिचुएशन क्या क्या होती है वहाँ पर लिखा हुआ है। बिफोर द इंटरव्यू में क्या क्या होता है वो चीज़ें है। बिहेवियरल क्वेश्चन के बारे में है, एंड बिगो नोटेशंस के बारे में शायद बताया गया है इसमें। और उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में कुछ, कैसे प्रिपेयर करना है वगैरह वगैरह, थोड़ी सी टिप्स दी गई है यहाँ पर। ये थोड़ा थोड़ा ये आपके पढ़ने के लिए, बीच बीच में मेन कंटेंट अभी आने वाला है द ऑफर एंड बियॉन्ड, तो इसमें बताया जाएगा किस तरीके से नेगोशिएशन वगैरह करना है। यहाँ से शुरू होता है इंटरव्यू क्वेश्चन, यहाँ से शुरू होता है मेन इसका टॉपिक। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, इसमें एरे एंड स्ट्रिंग पढ़ाया जाता है। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं शुरू में, और उसके बाद से लिंक लिस्ट है। ओके, लिंक लिस्ट है, और लिंक लिस्ट के बाद जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा वो देख लो यहाँ पर है, स्टैक एंड क्यू, एंट्री एंड ग्राफ्स। उसके बाद इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे शायद, सब मिला के 189 ही होने वाला है। फिर यहाँ पे आता है कंसेप्ट एंड एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम में देख लीजिए आप क्या क्या है, पॉज करके भी देख सकते हैं। अब देखो एल्गोरिदम में पहला जो चैप्टर है बिट मैनिपुलेशन है, उसको कुछ क्वेश्चन होंगे। फिर मैथ एंड लॉजिक पजल्स है यहाँ पर। उसके बाद चैप्टर 6 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे। फिर यहाँ पर चैप्टर 8 में रिकर्सन एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके, देन यहाँ पर सिस्टम डिजाइन एंड स्केलेबिलिटी के चैप्टर 9 है। और इधर अगर हम आ जाएंगे तो हमारा सर्चिंग सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग सर्चिंग, देन टेस्टिंग के बारे में कुछ कुछ है। देन जो सी और C++ के कुछ क्वेश्चन होंगे नॉलेज बेस्ड, वो यहाँ पर है। फिर जावा जो पढ़ता है, जो जावा के लिए थोड़ा बहुत है। और डेटाबेस जो है, डेटाबेस के बारे में SQL वगैरह थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा होगा। थ्रेड एंड लॉक्स के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो चैप्टर, वो एडिशनल है। ये जो सॉल्यूशन है, जो हमने डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम वगैरह के जो क्वेश्चन देखे 189 क्वेश्चन, तो वहाँ पर जो पिछले सेक्शंस थे वहाँ पर ये क्वेश्चंस है। और इस सेक्शन में जो कि देखो पेज नंबर 191 से लेकर 627 तक है, 28 से दूसरा शुरू हो रहा है, तो 627 तक सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। यानी कि 189 जो टोटल क्वेश्चन है उसके सारे का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कितना डिटेल्ड है मैं अभी दिखाने वाला हूँ, आप जरा बने रहिए। अगर आपको देखना है कि कितना डिटेल सॉल्यूशन है, कि आपको इस बुक को खरीदना चाहिए कि नहीं, वो मैं दिखाने वाला हूँ, बने रहिए चैनल पे। देखिए अभी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो एडवांस टॉपिक्स में देखो यूजफुल मैथ्स है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, डाइजेस्ट एल्गोरिदम, हैश टेबल, रबिन कर्व्स, तो एवियल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, तो कुछ एडिशनल एडवांस टॉपिक्स जो होते हैं, जो कुछ कंपनीज में पूछा है, तो वो भी आपके लिए दिया हुआ है। कोड लाइब्रेरी दिया हुआ है और हिंट्स दिया है, हिंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप की है ये, तो ये भी दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का एरे ही खोल लेते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, ये देखो कहाँ गया एरे, एरे है हमारा 88 पेज पर, तो हम देख लेते हैं 88 पेज पर खोल के। 87, ओके, 88, 81, 85, 88, देखिए ये है हमारा एरे एंड स्ट्रिंग का जो पहला पेज। देखिए हैश टेबल के बारे में लिखा है यहाँ पर, एरे एंड स्ट्रिंग में पहले समझाया गया है कि क्या क्या होता है अच्छे से। फिर आता है एरे लिस्ट एंड रिसाइजेबल एरेज, ठीक है, यानी कि सब कुछ है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड पेज पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई है। ठीक, और यहाँ पे आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम टू डिटरमाइन इफ अ स्ट्रिंग हैज ऑल यूनिक कैरेक्टर्स, व्हाट इफ
यू कैन नॉट यूज एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है मान लो, इसमें चेक परमुटेशन का क्वेश्चन है, फिर यू आर एल फे है, कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन है, वन एवे, पैलिंड्रोम परमुटेशन, ठीक है, स्ट्रिंग कंपेरिजन, रोटेट मैट्रिक्स जीरो, ये रोटेट मैट्रिक्स क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, स्ट्रिंग रोटेशन, ठीक है। तो हाँ, तो ये देखिए एरे में ये टोटल 9 क्वेश्चन है एरे एंड स्ट्रिंग में, ठीक है, उसके बाद ये लिंक लिस्ट आता है। तो देखिए एरे एंड स्ट्रिंग में इसमें 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन जिस पेज पे था वो देख लेते हैं एक बार, इंडेक्स पेज वहाँ पर। तो इसके जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन 191 पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसका सॉल्यूशन पे चले जाते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से दे रखा है इसका, 195, 93। ये देखिए ये सॉल्यूशन करके, ये इन्होंने प्रिंट किया हुआ है साफ साफ, कॉपी करी हुई बुक है, ओरिजिनल बुक है नहीं, देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है, लेकिन वो क्या फ़र्क पड़ता है, ओरिजिनल होना सेम कंटेंट है, प्रिंट करके दिया हुआ था, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें सस्ता मिल रहा है। अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था ना, इज यूनिक वाला, देखो ये इज यूनिक ही है, ओके। तो इज यूनिक वाला क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन करके लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया गया वगैरह पूरा अच्छे से, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से इसको पूरा सॉल्व किया गया है, ठीक है। ये C++ में ही है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जावा से भी हैं तो लगभग सेम तरीके से लिखा होता है कोड, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, आप समझ जाएंगे अगर C++ आता है तो, ठीक है। मेन इस बुक में देखो ए लिखा हुआ है इस तरीके से, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी अच्छे से यहाँ पर डिफाइन की गई है अगर आप देखें तो। फिर यहाँ पर जो है इसका शायद ये दूसरा सेम तरीके से दूसरा कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, शायद ये ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा। यहाँ पर देखिए ऑर्डर एन स्क्वायर टाइम, ऑर्डर एन वन स्पेस है, और ये पिछले वाला जो नीचे वाला था यहाँ पर जो है शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वन है, तो शायद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस है। सेकंड वाला देखिए चेक परमुटेशन का सॉल्यूशन वन, सॉर्ट द स्ट्रिंग, अच्छा ये जावा है, जावा डॉट यूटिल एरे सॉर्ट, ये जावा है, जावा में भी कोड है शायद, इसमें जावा में है या पूरा जावा में ही कोड है शायद, इसमें पता ही नहीं चल रहा है जावा, अरे क्योंकि हाँ ये जावा में कोड है, कोई नहीं, मैं C++ में कोड करता हूँ, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन अगर स्ट्रक्चर देख लो तो वैसे ही पता चल जाता है, एक दो चीज़ें तुम कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, C++ या जावा कोई सा भी लैंग्वेज हो कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरा है देखो यहाँ पर अप्रोच सॉल्यूशन वन है, ठीक है, यहाँ पर देखो पूरा तरीके से यहाँ पर डिफाइन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया मैं पीच करेक्टेड टू नंबर, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोड है, कोड किस लिए लिखा है पूरा एक्सप्लेन, मतलब सब कुछ तुम्हें अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, यहाँ पर अगर हम दूसरा और कोई सॉल्यूशन, ये देखिए कितना बड़ा कोड है, 155 लाइन का कोड है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई है फ्लेक्सिबल डिविजन्स वगैरह, तो यहाँ पर पूरा एकदम एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से पूरा कोड दिया हुआ है, देख सकते हो पूरा कोड एकदम अच्छे से दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर और भी मैंने काफ़ी देखा था, जो ये देखिए बाइनरी सर्च ट्री वगैरह का कितना अच्छे से डिफाइन किया गया है चीज़ों को, सॉल्यूशन द मीन एंड मैक्स सॉल्यूशन वाला जो था, ठीक है, ये देखिए पूरा का पूरा कोड हमको किस तरीके से दिया गया। तो अब देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन वाले जो क्वेश्चंस थे उसके भी कुछ अच्छे अच्छे दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। और कुछ लास्ट में ले चलते हैं सॉल्यूशन के आगे, जो क्या चीज़ वो जो चीज़ें बताई गई है उसमें कितना, तो सॉल्यूशन ख़त्म करते हैं और सॉल्यूशन के बाद क्या था वो देखते हैं। काफ़ी सॉल्यूशन है, सब जितने भी 189 क्वेश्चन है सबका डिटेल सॉल्यूशन है, जितने सॉल्यूशन हो सकते हैं हर टाइप का सॉल्यूशन दिया है। यहाँ से शायद कोड लाइब्रेरी चालू होता है, तो कोड लाइब्रेरी में क्या दिया है देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हैश मैप लिस्ट, ओके, ट्री नोड बाइनरी नोड के बारे में कुछ दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर ये कुछ खाली है, फिर यहाँ पर दिया है, फिर पेज खाली है, फिर यहाँ पर, अच्छा ये डिफेक्टिव पीस है, ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कुछ कुछ खाली है, 175, अच्छा देखते हैं शायद में, तो आपको शायद ऐसी बुक नहीं मिले क्योंकि ये 93 है, 46 के बाद आप देख रहे हैं, 46 के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट 93 है। और हाँ मैं पूरे 189 जितने भी क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन लाने वाला हूँ 1x1 मेरे चैनल पे, तो अगर आपको वो चैनल पे देखना है मैं पूरा कोड करके भी दिखाऊंगा कंपाइलर पे सेम क्वेश्चंस का, और कहाँ मिलेगा कहाँ कोड करना है वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर मिलेगा आपको पूरा क्वेश्चन सबमिट करने का। तो बस बने रहिए मेरे चैनल पर सारे सॉल्यूशंस को एक बार 1x1 देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।